ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, न्यू बिगनिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जनवरी का महीना है, साल का पहला महीना, और पूरे महीने हम इसके बारे में सीखेंगे। और आज हम खास बात करेंगे कि जब जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम सब कुछ खो देते हैं, जी हाँ सब कुछ खो देते हैं, तब क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा रेबेका, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दर्शकों, शायद आज कोई ऐसा देख रहा है जिसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो, बड़ा हादसा हुआ हो जिससे बड़े भारी लॉसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, और आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि लाइफ बेकार है, जीने का क्या फायदा, जिंदगी बिखर जाती है जब ऐसे ऐसी परेशानियां और ऐसे परिस्थितियां आती हैं, बिल्कुल आदमी निराश होकर टूट जाता है। पर मेरे अजीजों, भाई और बहनों, आज मेरे दोस्तों, ये एपिसोड आपके लिए है ताकि आपको एक नई आशा और उम्मीद मिले, ताकि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो। दोस्तों, हम आपके लिए लोगों की सच्ची कहानियां लेकर के आते हैं ताकि आप विश्वास में आगे बढ़ें। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजू निवाड़े से, जिन्होंने जिंदगी में काफी कुछ खोया था, और एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने वो भी खो दिया जो उन्होंने बड़ी मुश्किल और मेहनत से खड़ा किया था। ऐसे समय में दोस्तों, वो किन फीलिंग से गुजरेंगे? क्या वो अपनी हिम्मत को खो बैठेंगे? क्या वो अपनी जिंदगी से समझौता कर लेंगे, निराश हो जाएंगे, या वो परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखेंगे? दोस्तों, आइए इस समय हम राजू से मुलाकात करें और देखें कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया। राजू नेवार ने अपने पिता को कम उम्र में ही खो दिया था, और उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और राजू को उनकी दादी के पास छोड़कर खुद काम की तलाश में घर से चली गई। मैं जब आजी के पास में रहता था तो बहुत मुश्किलें गई। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे को भीख मांगना पड़ा लोगों के घर पर जाके, ताकि मैं अपना पेट भरूं और आजी का पेट भरूं। अपने बेटे की हालत खराब देखकर राजू की मां ने सौतेले पिता से राजू को अपने साथ रखने का आग्रह किया। जब मेरे बस्ती के लोगों के साथ में रहने लगा, वहाँ के बच्चों के साथ में नशा करने लग गया, घूमने लग गया, पिक्चर देखने जाता था, मैं किसी को भी मारने पीटने के लिए हिचकता नहीं था, मैं सीधा जाके रिपोर्ट मार देता था और गाली गलौज करता था। राजू अपनी नशे की लत को पूरी करने के लिए छोटे मोटे काम किया करता, और ऐसे ही काम के दौरान राजू की मुलाकात एक पास्टर से हुई जिनके पास उनके लिए एक प्रस्ताव था। मुझे बताया कि आप हमारे साथ में चलो, हम आपको काम देते हैं, ये उसमें कुछ नहीं रखा। जल्द ही राजू ने पास्टर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके साथ रहकर काम करने के लिए वो दीन बंधु मिनिस्ट्री में चले गए। उनमें जो वो मिनिस्ट्री को जाते थे, वो सबके लिए दुआ प्रार्थना करते थे और बड़े प्यार से वो रहते थे और बड़े एक मेरे को सपोर्ट करते थे। और वहाँ पे एक ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप ये बाइबल को पढ़ो और आपकी आँखें खुल जाएंगी। और मैं बाइबल पढ़ने लगा और धीरे धीरे मेरे को समझ आई। कुछ समय के बाद राजू मिनिस्ट्री छोड़कर होटल इंडस्ट्री में काम करने चले गए। स्टेप बाय स्टेप मैं बड़े बड़े होटल में काम करते गया, और मैं सोचा कि और पैसे कमाऊँ और दो पैसे ज़्यादा मिले मुझे। और ऐसे करते करते मैं फिर बाद में फाइव स्टार होटल रेडिसन में भी जॉब किया, फ्रंट ऑफिस में, और वहाँ पर मैंने 3.5 साल काम किया। उसके बाद में मैंने अच्छा पैसा इकट्ठा किया और फिर सोचा कि चलो मैं अभी रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ। राजू को बेहद नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। मेरा जो इनकम था फिर वो कम होते गया, और फिर मेरा बैंक अकाउंट धीरे धीरे लो होते गया, और फिर मैं डिप्रेशन में आते गया। फिर बैंक वाले भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे फ़ोन करके, क्योंकि बैंक से भी मैंने लोन लिया था, और उसके वजह से मैं काफ़ी परेशानी में था और काफ़ी दुविधा में था कि मैं क्या करूं। वो इसलिए मैंने स्टेप लिया कि मैं चलो अभी कुछ नहीं, मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूं। जब राजू अपनी सारी उम्मीद खो चुके थे तो उन्हें एक बार फिर दीन बंधु मिनिस्ट्री से कॉल आया।
मैं वापस नील डाउन हो गया और कहा कि प्रभु मैं कौन सी दिशा में जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कॉलिंग क्या है। और मैं उस कॉलिंग को समझा जो परमेश्वर ने मेरे लिए चुना था और वापस मैं दीनबंधु में ज्वाइन हुआ। आज राजू अपने जीवन में मिले दूसरे मौके और एक नई शुरुआत के लिए प्रभु के आभारी हैं। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे दिल से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उन सारी अंधकार की बातों से दूर रखा और दीनबंधु ने मुझे चांस दिया और मुझे दीनबंधु एज अ वर्शिप टीम में एज अ लीडर करके अभी तक के मुझे यूज़ कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर धीरे धीरे मुझे ऊंचाई पे लेके जा रहा है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आशीष है, सारी महिमा परमेश्वर को। बहुत अच्छा लगा राजू जी से मुलाकात करके, और हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल सिचुएशन में वो आ गए थे, लेकिन हम देखते कैसे परमेश्वर में उन्होंने मदद पाई और परमेश्वर के वचन जब उन्होंने पढ़े तो उन्हें कितनी इंकरेजमेंट मिली और वो विश्वास में और दृढ़ होते गए। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिंदगी के तूफानों में जो राजू जिस तरह घिरा हुआ था और इतनी जबरदस्त कश्मकश संघर्ष जो हमने सुना उनकी मुंह जबानी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी ऐसे संघर्ष में फंसे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, आप सोचते हैं कि सब कुछ बेकार हो गया, मैं हार गया हूं जिंदगी से, नहीं, एक चीज है जो आपके लिए एक लंगर है, एक एंकर है उस तूफान में, वो है खुदा का कलाम, खुदा का वचन, जिससे उनको इतनी सामर्थ मिली और खुदा ने सब कुछ रिस्टोर करा। देखिए, गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। आज वो समय है कि आज से खुदा बहुत कुछ आपके लिए कर सकता है, अगर आप खुदा के कलाम के हिसाब से चलें और उसके वचन को अपनाएं अपने जीवन में। मैं कहा बिल्कुल ऐसी राजू साहब की तरह, जो राजू भाई की हमने लाइफ सुनी, बिल्कुल ऐसी एक और शख्स है बाइबल में जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। इससे बढ़ के कहते हैं कि कोई ट्रेजेडी किसी की हुई नहीं है लाइफ में, कहते हैं, शायद और लोगों की हो मुझे मालूम नहीं है, पर दर्शकों, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज एवर मेंशन्ड इन द बाइबल इज द लाइफ ऑफ जोब, अय्यूब की जिंदगी। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, अय्यूब। कहते हैं बाइबल की सबसे एंशंट और पुरानी किताब अय्यूब है। आप बोलोगे उत्पत्ति, हाँ ठीक है, मूसा ने लिखा था, उससे भी पहले रहता था अय्यूब, और अय्यूब की जो लाइफ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज है। और क्या हुआ, बड़ा खुदा से प्रेम करता था, खुदा के भय में चलता था, और उसके बच्चे भी बड़े अच्छे थे, और बड़े खुदा की सताइश और दुआएं करता था, और अपना ऑल्टर के सामने खुदा की दुआएं करता था। पर एक समय आया, आप जानते हैं क्या हुआ दोस्तों, ऐसी हालत एक ही क्षण में पलक झपकते ही क्या हो गया उसके साथ। पर बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, फिर भी खुदा के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला उसने, उसका विश्वास अटल रहा। उसके दोस्त ने भी आके उसकी निंदा करी, तीन दोस्त आए उसके साथ बैठे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दुनिया बोले, जो मर्जी हो जाए, मैं बताना चाहता हूँ, आपका खुदावन, आपका प्रेमी परमेश्वर, वो आपको नहीं छोड़ेगा। गोया की सैलाब में से भी गुजरना पड़े, आपको आग में से भी गुजरना पड़े, वो आपके संग संग है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी तूफान आ जाए जिंदगी में, वो आपके साथ है। He is the God who is with you in every storm. उसका वादा है, देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं जमानों के इंतहाओं तक तुम्हारे संग हूं और साथ हूं। और क्या रिजल्ट हुआ, वो बैट जीत ली और वो ये फुल मार्क्स में पास हुआ ये इम्तिहान में अय्यूब, और शैतान को हार ना पड़ा इसमें, और हमने देखा कि गॉड रिस्टोर्ड एवरीथिंग बैक टू डबल से भी ज्यादा खुदा ने उसको प्रॉस्परस कर दिया, सब कुछ लौटा दिया खुदा ने उसको, क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा, ही वाज फेथफुल टू द एंड। मेरे अजीजों, अगर आप किसी आजमाइश और तकलीफ या ट्रायल से गुजर रहे हैं, रिमेन फेथफुल, अपने विश्वास में अटल रहिए, खुदा की ओर देखते रहिए, वो एक राह निकालेगा और सब कुछ लौटा देगा आपके जीवन में। ये उसका कलाम है, ये उसका वचन है, और हम उस वचन से आपको एक वर्ष देना चाहते हैं। अय्यूब 1:21, उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा बाहर निकला था, मैं नंगा ही वहां लौटूंगा,
जहां से आया था। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। प्रभु का नाम धन्य है। दोस्तों, जैसे हमने खुदा के कलाम में देखा, ये गवाही थी अय्यूब की कि खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो, ब्लेसड बी हिज नेम। दोस्तों, जो भी परिस्थिति हो लाइफ में, जो भी कुछ हो हमारे जीवन में, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, हमें खुदा की तारीफ करनी है। वी हैव टू कॉल हिम ब्लेसड ऑलवेज बिकॉज आर गॉड इज गुड, इवन इन द स्टॉर्म, इवन इन द ट्रबल टाइम्स। वो अच्छा है, वो हमें संभालेगा और आपको भी संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। यू विल नेवर लूज आउट ऑन फेथ एंड ट्रस्टिंग इन गॉड। और दोस्तों, आपकी चैलेंजेस में, आपके मुश्किल समय में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया में हमसे संपर्क करें। आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, और इस ब्रेक में स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी हैव सम बिग न्यूज फॉर यू। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत के बारे में, और हम जान रहे हैं कि जीवन में जब एक ऐसा समय आता है जब हम सब कुछ खो देते हैं, उसके बाद भी हम नई शुरुआत कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। बिल्कुल सही कहा रेबेका। आई थिंक अब समय है कि वी शुड प्रे, हम दुआ करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई आज जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कई परेशानियों से और कई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनके लिए प्रेयर करे। मेरे प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, रिस्पेक्टेड एल्डर्स, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे बड़े बड़े लॉसेस आए हैं जो अभी हमने राजू की लाइफ से देखा और हमने अय्यूब की लाइफ से देखा, हो सकता है कि आप भी कुछ इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और बड़ी भारी कश्मकश और जद्दोजहद में हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास में जुड़िए कि खुदा वो परिस्थितियों को बदल सकता है। ही इज अ गॉड हु कैन चेंज योर सर्कमस्टेंसेस। आज ही आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। अगर विश्वास से राय का दाना भी लेकर आइए, विश्वास का, देखिए कितना कुछ हो सकता है। आइए हम मिलकर, साथ मिलकर दर्शकों, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, और खास तौर से कि खुदा का हाथ आए एक अद्भुत रीति से। The hand of God may come and he may bring you out of, he may draw you out of these problems, और इन परिस्थितियों से हमारा खुदा आपको निकाले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदावन, जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे अब्बा और पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस जिंदगी के सफर में बड़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आते हैं, पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सताइश करते हैं, और प्रभु जी हम लोग हम्बल हो जाते हैं इस बात को जानते हुए कि आप जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, हमारे लाइफ्स में इंटरेस्टेड हैं, और आप नहीं चाहते कि कोई इस परेशानी से गुजरे। प्रभु जी, आप हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम्स में आप हमारे संग हैं। You are there in the middle of all our storms. प्रभु जी, just speak peace to them. खुदावंद, अपनी शांति उन परिवारों में दीजिए। उस खास तौर से उस भाई या बहन जो आज सुन रहा है, जिसके आंखों में शायद आंसू हैं और दिल टूटा और निराश है, बिल्कुल ही निराश है, प्रभु जी उसके दिल में एक आशा भर दीजिए, अपनी शांति भर दीजिए। खुदावंद आपकी रहमत और दया उनके जीवन पे आए। प्रभु जी, प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में, सामर्थ में वो उठें, अपनी उस परिस्थिति निराशा से उठें प्रभु, और प्रभु एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग गिफ्ट टू देम फादर।
खुदावन एक नई शुरुआत दीजिए उनकी जिंदगी में और दया कीजिए। इन बीमारियों से, इन परेशानियों से, इन लॉसेस से आप उनको निकालिए। खुदावन आपने हमारी दुआ सुनी है, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों हमने प्रार्थना करी है, खुदावन ने हमारी प्रार्थना सुनी है। जब वो अय्यूब की सुन सकता है, भाई राजू की सुन सकता है, वो आपकी भी सुनेगा और जरूर इसका निवारण करेगा आपकी परेशानी का और आपको निकालेगा इन परिस्थितियों से, ये हमारा विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, वो उनका जवाब देता है और उसकी इच्छा ही हमारे जीवन में भली होती है, सबसे उत्तम होती है दोस्तों। और अगर आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है तो क्यों ना आप हमें बताएं, हमसे शेयर करें, ताकि हम आपके एक्सपीरियंसेस को और आपके जो जवाब आपको मिले हैं इन्हें अपने दर्शकों के साथ शेयर करें और उन्हें भी ये सुनकर बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप cbnindia.org/cbnofferings पेज पर जा सकते हैं। और अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का सत्य वचन। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स, कितनी खूबसूरत आयत है। आपको लोग पूछते हैं व्हाट इज द प्लान, बोलो मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं, मुझे समझ नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लॉर्ड को सब समझ है, उसके पास प्लान है आपके लिए मेरे दर्शकों। एंड क्या प्लान, टू प्रॉस्पर यू, टू ब्लेस यू, आपकी उन्नति हो, आपको आशीष मिले, वो आप में इंटरेस्टेड है। द गॉड ऑफ द यूनिवर्स इज इंटरेस्टेड इन यू एंड ही लव्स यू। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है मेरे अजीजों। मे दिस वर्स, ये आयत आपको इनकरेज करे और आपको उन परिस्थितियों से निकाले, उभारे, ताकि एक नई शुरुआत हो आपके जीवन में अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ गॉड। और आइए अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सीबीएन फाउंडेशन के कामों को देखेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर सेगमेंट के जरिए हमने हिम्स और सदाबहार गीतों को नए रूप में डालकर पेश किया। और जिसमें आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। इस बार चर्च कॉयर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज की कॉयर नवाबों के शहर लखनऊ से। और साथ ही आपके चर्च के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरपूर हुई तो हमें 9910401010 connect@india.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करें। शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर आए। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आप जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह जब सब कुछ ही खो जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, हम टूट जाएं, बिखर जाएं, फिर भी कैसे एक नई शुरुआत हो सकती है हमारी जिंदगी में। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमने जाना है कि हमें विश्वास में बने रहना है, मुश्किल समय में भी विश्वास में बने रहना है। दोस्तों आइए इस समय हम इस नए साल में देखें कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन अवेयरनेस वर्कशॉप्स चला रहा है, जिसमें बच्चों को अब्यूज और वायलेंस से प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इस अवेयरनेस वर्कशॉप को डॉक्टर केसी जॉर्ज कंडक्ट कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड सोशल वर्कर हैं और विमेन डेवलपमेंट विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। तो आइए इस वर्कशॉप के बारे में हम जानें और देखें कि कैसे बच्चे और बड़े चाइल्ड सेफ्टी के बारे में सेंसिटाइज किए जा रहे हैं।
जो बुरे लोग होते हैं वो गाड़ी से सबको देखते रहते हैं कि कौन उन्हें ऐसा दिखता है, और वो मुंह भी अपना ढके रहते हैं, फेस को कवर करते हैं, और वो बच्चों को उठा के गाड़ी में बहुत दूर ले जाते हैं, सुनसान इलाके में ले जाते हैं जहां पुलिस भी नहीं देख पाती और कोई आम जनता भी नहीं देख पाती है। हमारे समाज में बाल शोषण एक कड़वी सच्चाई है, खास तौर पर जो बच्चे सुन और बोल नहीं पाते उनके लिए चाइल्ड अब्यूज का खतरा और भी अधिक होता है। इसी विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए CBN फाउंडेशन ने कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से आए डॉक्टर केसी जॉर्ज के साथ मिलकर इन ग्राहम इंस्टीट्यूट आशा विद्यालय में पढ़ने वाले डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। तो पीपल हु आर अनेबल टू हियर, हियरिंग इंपेयर्ड पीपल, हु आर अनेबल टू स्पीक, ऑल्दो इट इज अ वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, वी नीड टू हैव अ कंसर्न फॉर देम। और उनके अंदर वो दिव्य शक्ति है तो समझना कि मैं उनसे कहना क्या चाह रहा हूँ। सो उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके के सेशन, क्योंकि बच्चे वाकई में बहुत मासूम होते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये सेशन अटेंड करा तो उनका भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये बता रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी बहुत दुष्कर्म होते हैं, उनको लालच दिया जाता है। इस वर्कशॉप में दिखाए गए साइन लैंग्वेज में बने वीडियो से स्टूडेंट पॉक्सो एक्ट के बारे में भी सीख पाए। इट वाज पर्टर्बिंग माय माइंड, हाउ डू आई गो अबाउट इट, देन आई रियलाइज्ड आई मस्ट मेक अ वीडियो सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्राइम इज कवर्ड अंडर पॉक्सो। मोनिका ने अभी हमें बताया कि जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, जो किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, तो बहुत बड़ी सजा उसको क्या हो सकती है। इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी सजा जो होती है वो फांसी की होती है। पॉक्सो कानून गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया है, इससे हमारे बच्चे सेफ हो जाते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टॉपिक को बड़े ही आसानी और इंटरेस्टिंग रूप से समझाते हुए डॉक्टर केसी जॉर्ज ने सुरक्षा के 3 कदम पार्टिसिपेंट्स को मेमोराइज करवा दिए। These 3 words of no, run and tell will help the children. ये बता रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि किसी भी गलत काम के लिए नो बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए। नंबर 2, हमें दौड़ जाना चाहिए, वो जगह छोड़ देनी चाहिए, स्कूल हो या कोई भी जगह हो जहाँ ये सब बुरा है, तो हमें दूसरी जगह दौड़ के चले जाना चाहिए, एक सेफ प्लेस पे। तीसरा, ये बता रहे हैं कि हमें दौड़ करके किसी भी जन को, जो हमारे विश्वसनीय जन है, उनको हमें बताना चाहिए। जो सुनने वाला बच्चा है वो सुन करके सीख जाता है, बचपन से ही पेरेंट्स और समाज उनको हर बात की नॉलेज दे देता है, बट इन बच्चों को इस चीज की कोई नॉलेज नहीं रहती है। We know that children who are differently able are targeted because they may not be able to express themselves, they may not be able to fight back, and therefore it is so important to empower them, to protect them, to raise awareness. CBN Foundation चाइल्ड अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर विषय पर जागरूकता लाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। आप भी इस अभियान में हमारा सहयोग दें ताकि बढ़ते हुए बाल शोषण को रोका जा सके। दर्शकों, जैसे आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। रोज हम न्यूज में कितना कुछ सुनते हैं इसके बारे में, कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के बारे में ये अवेयरनेस हो ताकि हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड रहे, और हमें भी जो पेरेंट्स हैं और जो बड़े उनको भी पता चले कि किस तरह ये सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। एंड वी मस्ट थैंक CBN फाउंडेशन फॉर दिस ग्रेट वर्क। यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट यू नो, चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड कभी-कभी वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, दे नॉट एबल टू इवन हैंडल इट। तो बहुत जरूरी है कि उन्हें सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए, पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाए, ताकि हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए एक सेफ्टी नेट बनाएं जिसमें वो सुरक्षित हो, वो खिले और उनका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो। बिल्कुल, चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज ऑफ गॉड और बड़ी भारी जिम्मेदारी है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू ब्रिंग देम अप इन द फियर ऑफ गॉड, खुदा के भय में, और इस दुनिया के इन्फ्लुएंस से कैसे हम उनको बचा सकें।
और दोस्तों, अगर आप भी सीबीएन फाउंडेशन के कामों में विश्वास रखते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं, या सीबीएन फाउंडेशन के साथ आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, अपना समय और टैलेंट्स देना चाहते हैं, तो क्यों ना आप इनसे संपर्क करें और इनके साथ जुड़ें। आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आप सीबीएन फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और इनका एड्रेस है www.cbnf.org। दोस्तों, अब समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने जो हमारे लिए गा रहे हैं समरविल CNI चर्च कॉयर जोधपुर से, और ये गीत है जग विदाता। और आइए इस गीत को हम सुने और इससे हम आशीष पाएं, और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। और कल है बुधवार, और कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के भी जवाब देंगे, तो आप अपने सवाल हमें ज़रूर भेजें। और अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। शरण से भटक गए।